नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, स्टॉक्स एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा स्टॉक्स है वो है ONGC। ONGC में कुछ खास पैटर्न बन रहा है जिसको मैं कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहता हूं, तो उस तरह का पैटर्न मुझे ONGC में दिख रहा है, तो इसलिए मैंने ONGC का चार्ट सेलेक्ट किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ONGC में एक पैटर्न है, इसको मैं कंटिन्यू पहले पीछे लेके आप लोग को चलता हूँ, फिर समझाता हूँ तो चीज़ें आप लोग को ज़रा अच्छे से समझ में आएंगी। ONGC लगभग लगभग ये खास पैटर्न इसी पैटर्न को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। ONGC देखिए, जब भी ये गिरता है, यहाँ पे मैं एक राउंड लेता हूँ, जब ये यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से जब भी गिरता है, यहाँ से गिरते हुए स्टार्ट हुआ, यहाँ से गिरा और यहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया, कंसोलिडेट किया और वो वापस ये ऊपर की तरफ निकला। एक मिनट, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आया नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया और वापस वो उस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है जिस लेवल से वो गिरना स्टार्ट होता है। अगली बार फिर से यही पैटर्न बना, पहली बार इसने टेस्ट किया, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, नीचे आया, देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद फिर से वापस ये देखिए नीचे की तरफ आता है, यानी यहाँ से स्टॉक गिरता है 179 से, नीचे आता है 152, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और 152 से वापस ये स्टॉक्स फिर सॉरी 179 से स्टॉक्स वापस फिर से 152 से स्टॉक्स वापस 179 वाले अपने ब्रेकडाउन जो ब्रेकडाउन हुआ था उस लेवल को वापस जाके ये टेस्ट करता है। फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ 169 पे और ये स्टॉक देखिए 169 से ब्रेक डाउन हुआ और वापस नीचे की तरफ आया, धीरे धीरे वापस इसने कंसोलिडेट किया अपने आप को और वापस इसने 169 ऊपर की तरफ, ये 178 169 178 जहाँ से ये गिरना स्टार्ट किया था, वापस आके इस लेवल को ये यहाँ पे जाके टेस्ट किया और वापस यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ, फिर से एक ब्रेक डाउन हुआ, इस ब्रेक डाउन को इसने वापस वहाँ तक टेस्ट नहीं किया जहाँ तक ये हर बार लगभग लगभग टेस्ट कर रहा था। तो इस बार का जो ब्रेक डाउन हुआ उस ब्रेकडाउन को इसने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक ये वापस आया, लेकिन उस लेवल को जो 155 का ब्रेकडाउन लेवल था उस लेवल को जाके इसने टेस्ट नहीं किया था लास्ट टाइम में। और इस बार देखिए फिर से यही अभी तक जो पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अभी तक ये पैटर्न बन रहा था लोअर, जो अभी तक ONGC में पैटर्न बन रहा था वो हमेशा लोअर टॉप और लोअर बॉटम का बन रहा था, यानी पिछला हाई कहीं भी टेस्ट नहीं हो रहा था और हर बार ये पिछले लो को ब्रेक करके एक नया लो बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए देखिए चीज़ें ऑब्जर्व करने की होती है, स्टॉक्स मार्केट ऐसा नहीं है कि आप रातों रात चीज़ों को समझ जाओगे, आप कंटिन्यू जब चार्ट को देखते हैं, कंटिन्यू आप चार्ट को रीड करते हैं तो एक ही पैटर्न आपको कंटिन्यू कई बार देखने को मिल जाते हैं। मैं कई सारे स्टॉक्स में आप लोग को बता चुका हूं कि स्टॉक्स का कैरेक्टर क्या है, ये स्टॉक किस तरह से मूव करता है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक पहला यहाँ पर टॉप हमारा बॉटम लगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, और हमारा जो टॉप लगा था वो टॉप हमारा था यहाँ पर, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करके येलो कर देता हूँ जिससे हमें दिखाई देगा। उसके बाद जो नया टॉप यहाँ पे लगा, फिर ये नया टॉप हमारा यहाँ पे बना, ठीक है, फिर हमारा जो बॉटम बना वो बॉटम देखिए हमारा जाके यहाँ बॉटम बना और उसके बाद का जो बॉटम बना हमारा वो फिर हमारा बॉटम फिर ये बना, फिर एक नया बॉटम बना यहाँ पे, यानी टॉप हमारा चेंज नहीं हुआ, टॉप को ब्रेक नहीं किया और बॉटम एकदम नए नए लगाते जा रहा। फिर से जब टॉप स्टार्ट किया इसने एक हायर की तरफ बढ़ा तो इसने भी क्या किया, पिछली बार का जो टॉप था उस टॉप को चेंज नहीं किया और उसके पहले से ही यहाँ पे मार्केट या ONGC को बोलिए तो ONGC यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ से जब ONGC गिरना स्टार्ट होता है तो फिर से एक नया लो बनाता है, यानी इस लो को कंटिन्यू कर रहा है, किसी भी बार इसने ऐसा नहीं किया कि पिछले लो को सॉरी एक लो यहाँ पे ऑलरेडी इसने बनाया हुआ था, तो पिछली बार कभी भी ऐसा नहीं कर रहा कि पिछले लो को ये होल्ड कर रहा, हर बार ये पिछले लो को ब्रेक कर रहा और हर बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए, अब इसने पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने क्या किया है, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है अभी तक, देखिए अभी तक इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है और बिना पिछले लो को ब्रेक किए हुए अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा, तो मुझे ऐसी उम्मीद है, देखिए जैसा चार्ट पैटर्न मैंने आप लोग को दिखाया कंटिन्यू जिस तरह से बन रहा तो उस तरह से अब अगले चार्ट पैटर्न की मेरी उम्मीद ये है कि ये इस तरह से अब बनते हुए आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तो आपको समझ में आए, अब वो इस तरह से आपको बनते हुए दिखाई देगा और यहाँ से जो ये राउंडिंग बन रहा, हर बार ये राउंडिंग बनाता है
और पिछले अपना ब्रेकडाउन का लेवल है उसको टेस्ट करता है। इस बार देखिए फिर से ये राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बना रहा, तो मेरी उम्मीद ये है कि स्टॉक धीरे धीरे करके 145 150 तक जा सकता है। लेकिन देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे दो तरह से आप इसको बाइंग कर सकते हैं ONGC को, स्टॉक्स को। एक तो ये 130 के ऊपर क्लोज कर दे, तब जब ये 130 के ऊपर क्लोज करे तो पहला टारगेट रखिए 136 और दूसरा टारगेट रखिए 145 का, 142 का, और जो लास्ट टारगेट होगा इस पे 155 का होगा। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, मान लीजिए मंडे के सेशन में ये वापस नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाता है या फिर मंडे के सेशन में लो बनाता है और लो बनाने के बाद यानी आज के लो को, फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, उस कंडीशन में भी आप इस स्टॉक्स को यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही नॉर्मल छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 123.50 रुपये का, यानी 123.50 का हमारा यहाँ पे SL होगा। लेकिन तो बाइंग उसी कंडीशन में कीजिएगा नीचे की साइड में जब ये ग्रीन कैंडल बने, अगर रेड कैंडल ही बनती जा रही है और इस लेवल को तोड़ देता है तो हमें कोई मतलब नहीं है, फिर हमारा ये पैटर्न फेल होगा या फिर इस पैटर्न को टेस्ट करके शायद फिर से ऊपर की तरफ निकलेगा, तो 130 के ऊपर हम देखेंगे। अगर यहाँ पे मंडे के सेशन में ग्रीन कैंडल बनती है तो आप यहीं पर बाइंग कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस 123 का रहेगा। जब 130 को क्रॉस करेगा तो भी हमारा स्टॉप लॉस 123-124 का ही हमें लगाना पड़ेगा, और स्टॉक्स मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके ये फिर से 145-150 के जोन को एक बार टेस्ट कर सकता है, फिर वहां पे डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से मूवमेंट यहां पे करनी है, क्योंकि पहली बार है जो इसने अभी तक लो को ब्रेक नहीं किया है, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, यहां पे कंटिन्यू 12 से 15 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जब ये ब्रेक करेगा 130 तो काफी तेज मूवमेंट आपको ONGC में देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनी है, तेज का मतलब ये हो गया कि अगर स्टॉक 1.5% भी 3-4 दिन में भाग जाए तो हम उसे तेजी बोलते हैं, क्योंकि बाकी स्टॉक्स की तरह ये स्टॉक नहीं चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद यहां से एक बड़ी तेजी का मतलब कि 145-150 के जोन तक यहाँ पे ONGC को लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए इसी तरह से आपको स्टॉक का कैरेक्टर, स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा स्टॉक्स, कंटिन्यू मैं इसको बीच बीच में छोटे छोटे ट्रेड लेते रहता हूँ। छोटे छोटे का मतलब ये होता है कि सरकारी कंपनियों में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो छोटे छोटे ट्रेड अगर मान लीजिए बाकी जगह में अगर 50,000 रुपये लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 25,000 लगा के ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्लो मूवर होते हैं ये, धीरे धीरे चलते हैं। तो ये पैटर्न काफ़ी खास पैटर्न यहाँ पे बन रहा, तो आप इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे नए YouTube चैनल लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, और जीरोधा में अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा वीकली में कर दूं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पे देखिए वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस यहां पे आ रहा है कंटिन्यू, तो वीकली में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो बड़ी मूवमेंट तो तभी होगी जब स्टॉक वीकली में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। और वीकली में देखिए बिल्कुल इस चैनल के अंदर में ये स्टॉक फंसा हुआ है, इसी चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, इस तरह से ये ट्रेड कर रहा है, इस चैनल को फॉलो कर रहा है कंटिन्यू, तो मुझे उम्मीद है शायद अगर यहाँ से निकलना होगा तो तेज़ी से 145 अगर क्रॉस करेगा तो शायद 150 या 156 के जोन तक भी जा सकता है। पहली बार इसने क्या किया है, अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब स्टॉक्स बाउंस बैक लेना होता है तो इसी तरह से मूवमेंट करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर वीकली चार्ट पे यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है, यहाँ पर देखिए तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, और इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को जब 130 के ऊपर ये क्लोज करेगा तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर ये इस जोन 145 के जोन को, पहला जो जोन है इसका, ये इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट आप लेके चलेंगे तो 136-142 और 150 के टारगेट के लिए आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। जो इसका 200 DMA देखा जाए डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो 200 DMA इसका काफ़ी दूर है, वो भी 146 के जोन पे है, जो हमारा थर्ड टारगेट है उसके आसपास में, 146 के जोन के आसपास में है। जब इसने ब्रेक किया उसके बाद से एक बार जाके इसने टेस्ट किया है, उसके बाद शायद फिर से ये जाएगा तो इसी लेवल के आसपास तक जा सकता है यहाँ पे ONGC। तो ONGC के स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रखिएगा। देखिए कभी भी अगर आप ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टॉक्स को आप अपनी कैपिटल को कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप एक ही स्टॉक्स में सारा पैसा लगाएंगे शायद ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप फिर यहाँ पे आपका स्टॉक्स मार्केट पे लगेगा कि नहीं यार स्टॉक्स मार्केट हमारे लिए नहीं है। तो कैपिटल को हमेशा डिवाइड करके ट्रेड कीजिए, रिस्क को पहले मैनेज कीजिए, पहले आप ये देख लीजिए कि क्या मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, ये 5 रुपये या 6 रुपये या 4 रुपये जो भी स्टॉप लॉस है क्या मैं इसको ले सकता हूँ उतनी क्वांटिटी के लिए।
तभी आप लीजिए, ना कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा पैसा इसी में डाल देंगे, तो आपके चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। फिर आपने एक जुए की तरह खेल दिया है उसको कि एक ही पे आपने पूरा दाव लगा दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। आप कंटिन्यू स्टॉक्स को डिवाइड करते रहे, कैपिटल को डिवाइड करके ही यहाँ पे ट्रेड कीजिए, इंटर डे ट्रेडिंग कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, हमेशा स्टॉक्स को देख परख के लीजिए। और दूसरी चीज़, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके रखिए। जहाँ पे यहाँ पे 20 और 30 EMA की बात है, तो देखिए 20 और 30 EMA के पास में ये ट्रेड कर रहा है। नवंबर के बाद से ये पहली बार इस लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो 130 के ऊपर अगर ये क्लोज कर लेगा तो हमारी ये इस जोन को भी निकाल के ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने हमारा नया यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाई घनश्याम टेक को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं टेक्निकल की वीडियो डालते रहता हूँ, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। और जो सज्जन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।